आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर विच इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th का, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। देखिए, इससे पहले स्टैंडर्ड 9th में हमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल चेंज कुछ इस तरह का चेंज होता है जहाँ पर कि बॉडी का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज होता है, जैसे कि वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा सकता है, लिक्विड से गैस स्टेट में जा सकता है, उसका स्टेट चेंज हो सकता है, उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें चेंज होता है, उस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ये हम स्टैंडर्ड 9th पे हमने देखा था। और केमिकल चेंज जिसमें कि बॉडी का सब्सटेंस का जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, उस तरह के चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। कुछ एग्जाम्पल से इसके पीछे का जो डीप रीज़न है वो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक बर्फ का टुकड़ा, ये जब पिघलता है तो इसमें जो चेंज होता है इस तरह के चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। दरअसल पानी का स्ट्रक्चर, अगर आप इसे पानी के स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि फिजिकल चेंज एग्जैक्टली है क्या। हम इन डेप्थ किसे फिजिकल चेंज कहते हैं। देखिए, पानी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन एटम और यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम्स दिख रहा है। ये ऑब्वियसली सिंबल है, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स, दो हाइड्रोजन एटम, H2, दो H और एक O, H2O। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये हाइड्रोजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेगा दो इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, तो वो जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, शेयर्ड पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो ऑक्सीजन अपने तरफ खींच लेता है, इधर से भी और इधर से भी। इससे होता क्या है कि ऑक्सीजन में थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन में थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके हिस्से का इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है उस इलेक्ट्रॉन को अगर ये खींच लेगा ऑक्सीजन अपने तरफ तो इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या है, आप दो मॉलिक्यूल्स को देखें, दो वाटर मॉलिक्यूल्स को देखें। नॉर्मली अगर ये वाटर दैट मीन लिक्विड स्टेट में होगा तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह से मूव करता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बना है और ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होता है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, देखें। तो जब पानी रहता है, ये वाटर लिक्विड स्टेट में रहता है, तो ये तो मूव करता है, तो वो वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उतना काम नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होते जाता है वैसे वैसे इसका स्पीड, मॉलिक्यूल्स का जो स्पीड है वो घटते जाता है, ये स्लो होते जाता है, क्योंकि इससे एनर्जी निकल जाता है। ठंडा होने का मतलब क्या है, इससे एनर्जी निकल चुका है। अब इससे एनर्जी जब निकलता है तो ये स्लो होता है, स्लो होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है उसके बीच अट्रैक्शन होता है और यहाँ पर ये आके इस तरह से अटैच हो जाता है। इस बॉन्ड को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के इस बॉन्ड को, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पानी बर्फ में चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये दोनों बॉन्डेड हो जाता है। अब जैसे ही आप इसे गर्म करते हैं, बर्फ को गर्म करने से वापस पानी बन जाता है, जैसे ही आप इसे गर्म करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, इसमें एनर्जी मिलता है और धीरे धीरे इस तरह से ये इस बॉन्ड को तोड़ के फिर ये टूट के अलग हो जाता है और मूव करने लगता है। तो आपने यहां पर क्या देखा कि पानी से बर्फ बनते हुए और बर्फ से पानी बनते हुए जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए इसे फिजिकल चेंज कहा जाता है। वैसे अगर आप केमिकल चेंज का एग्जांपल ले तो पानी में अगर हम सोडियम डाल देते हैं तो एक बहुत फ्लेम निकलता है, बहुत पावरफुल एक फ्लेम निकलता है, बहुत एनर्जी यहाँ से डिसिपेटेड होता है और साथ ही साथ इस सिचुएशन में केमिकल रिएक्शन होता है।
केमिकल रिएक्शन इन द सेंस यहाँ पर करता क्या है, जैसे ही सोडियम यहाँ पर आता है, सोडियम यहाँ से एक हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर निकाल देता है, और बाहर निकालते साथ ये OH बन जाता है, ये आयन होता है, OH आयन बन जाता है। और ये जो सोडियम है, ये सोडियम यहाँ पर आके एक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, और ये हाइड्रोजन एटम को लिबरेट करता है। ऐसे ही दो हाइड्रोजन एटम मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनके ये डिसिपेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस केस में सोडियम को जब पानी में हम डालते हैं, तो इस केस में जो चेंज हो रहा है वो केमिकल चेंज हो रहा है, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, इसीलिए इस तरह के चेंजेस को हम केमिकल चेंज कहते हैं। वेल, जो केमिकल चेंज का प्रोसेस है यहाँ पर, जैसे सोडियम यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के, जो सोडियम यहाँ पर आके सोडियम का एटम यहाँ इस तरह से जो अटैच हो गया, इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी तरह का फिजिकल रिएक्शन नहीं है, दिस इज केमिकल रिएक्शन। वेल, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं केमिकल चेंज का। अगर मैग्नीशियम के एक रिबन को हम फ्लेम के सामने रखते हैं, मतलब उसे जलाते हैं, तो फिर वहाँ हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें यहाँ पर मिलता है ऐश, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे ही मैग्नीशियम को गर्म किया जाता है, वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अब इस चीज़ को हम किस तरह से लिख कर रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और यहाँ पर एरो लगा के यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मीन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट करता है जो केमिकल रिएक्शन है उसके डायरेक्शन को, मतलब क्या क्या मिल के क्या बना। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। दरअसल इसे हम एक ही लाइन में लिखते हैं, वो बेहतर होता है, समझने में बेहतर होता है। यहाँ जगह कम था इसीलिए बड़ा बड़ा करके हम दो अलग अलग लाइन में लिख रहे थे। सो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये हमें क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। वेल, इसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। और यहाँ पर जो सब्सटेंसेस कंपाउंड हो या फिर वो एलिमेंट हो जो रिएक्ट कर रहा है, जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहा है, उन्हें कहा जाता है रिएक्टेंट्स। जो रिएक्ट कर रहा है वो है रिएक्टेंट्स। और केमिकल रिएक्शन के बाद, उस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। सो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स है, और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये प्रोडक्ट है। वेल, अब अगर आप देखें कि अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें और उसके लिए हम इस तरह से लिखें मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फिर एरो लगा के मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये बड़ा लंबा सा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स हैं, और फिर कंपाउंड्स के लिए जो केमिकल फार्मूला है वो है, तो अगर हम उसे लिखते हैं तो फिर यहाँ पर हमें कम लिखना पड़ेगा। बहुत सारे इक्वेशंस अगर हो, बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस हो, वहाँ पर सबका अगर नाम लिखना पड़े तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम उसके जगह पे सिंबल और फार्मूला यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg है। ऑक्सीजन चूंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है ऑक्सीजन, और ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, दो ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाता है, तो इसीलिए हम इसे O2 लिखते हैं। O2 दरअसल रिप्रेजेंट कर रहा है दो ऑक्सीजन एटम मिलके एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहा है। तो मैग्नीशियम जो कि ऑब्वियसली ये जो है मोनो एटॉमिक माना जाता है इसे, क्योंकि ये एक क्रिस्टल बना के रहता है, मैग्नीशियम 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 मैग्नीशियम, इस तरह का एक लंबा सा एक बड़ा सा क्रिस्टल बना के रहता है। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, सो क्रिस्टल बना के रहता है, सो इसे माना जाता है मोनो एटॉमिक, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं रहता, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हो गया ऑक्सीजन रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली
इंडिपेंडेंटली इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह सकता है. सो दिस इज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दो ऑक्सीजन एटम मिलके मॉलिक्यूल बना के ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है. लेकिन मैग्नीशियम इस तरह का मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, इसीलिए मैग्नीशियम को मोनोएटॉमिक माना जाता है, इसीलिए Mg, सिर्फ Mg. और यहाँ पर O2 ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, दैट्स वाई O2, दो ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल. सो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड वो बना रहा है. तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा लिखने से थोड़ा शॉर्ट हो जाता है. वेल, अब यहाँ पर आप देखें कि ये जो इक्वेशन है इसे अगर हम पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. आप गौर से देखें, ये मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैग्नीशियम का एक एटम और ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, देखें दो एटम्स मिलके ये मॉलिक्यूल बना है, ये दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये मैग्नीशियम एटम और ये ऑक्सीजन एटम. यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, देखें ये पूरी तरह से इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर दो ऑक्सीजन एटम है, लेकिन रिएक्शन के बाद देखिए आपको एक ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, मतलब ये कंप्लीटली इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है इस रिएक्शन को. यहां हम कह सकते हैं भाई एक ऑक्सीजन एटम गया कहां. अगर इन दोनों में रिएक्शन होगा तो फिर दो ऑक्सीजन एटम रहना चाहिए, यहां पर एक ऑक्सीजन एटम गया कहां. और हमें पता है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, उससे हमें पता है कि मास न तो क्रिएट किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में. तो यहां पर एक ऑक्सीजन एटम गया कहां, एक ऑक्सीजन एटम कम है. अगर आप इस तरफ देखें, इस तरफ एक ऑक्सीजन एटम कम है और इस तरफ एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों को बैलेंस में रखा जाए तो फिर ये जो पार्ट है ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा भारी होगा, ये ज्यादा मैसिव होगा. अब यहां पर इसी कारण इस तरह के रिएक्शन को, इस तरह के इक्वेशन को जो कि कम्प्लीटली इसे रिप्रेजेंट नहीं करता, और साथ ही साथ एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास सेम नहीं होता है, इस तरह के केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि ये बैलेंस में नहीं है. वेल, इसे बैलेंस में हम कैसे लाएंगे, इसके लिए देखिए इसी रिएक्शन को अगर बेहतर पिक्टोरियली हम रिप्रेजेंट करें, जो कि परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, वो कुछ ऐसा होगा कि दो मैग्नीशियम का एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, इन दोनों को तोड़ेगा, एक ऑक्सीजन एटम के साथ एक मैग्नीशियम एटम और दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ दूसरा मैग्नीशियम एटम रिएक्ट करेगा और दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा. तो ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया. अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मास सेम होगा और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होगा, जितना मैग्नीशियम का एटम इस तरफ है उतना ही मैग्नीशियम का एटम इस तरफ भी है, और यहाँ ऑक्सीजन का जितने एटम्स हैं यहाँ भी ऑक्सीजन का उतना ही एटम है, न तो यहाँ पर मास क्रिएट हो रहा है नहीं डिस्ट्रॉय हो रहा, ये कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है. तो इसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा कि 2Mg, दैट मीन दो मैग्नीशियम का एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाएगा. और इस तरह से जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि पूरी तरह से बैलेंस्ड होता है, उसे कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या सिंपली बैलेंस्ड इक्वेशन. कुछ बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं. ये तो हमने देखा, ये 2Mg plus O2 ये हमें देता है 2MgO. इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख ले. चलिए एक और को कंसीडर कर लेते हैं, Zn, जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये हमें देगा ZnSO4 और H2. यहां पर अगर आप नंबर ऑफ एटम्स देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में आपको सेम मिलेगा, जैसे कि जिंक का एक है इस तरफ और जिंक का एक एटम इस तरफ भी है. हाइड्रोजन का दो एटम्स इस तरफ है, हाइड्रोजन का दो एटम्स राइट हैंड साइड में भी है. एस सल्फर का एक एटम, यहां भी आपको सल्फर का एक एटम दिखेगा. ऑक्सीजन का चार एटम्स, तो यहां भी ऑक्सीजन के चार एटम्स है. उसी तरह से आप बाकियों को भी चेक कर सकते हैं. सो ये सारे एग्जांपल्स जो है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल है. यहां पर नॉर्मली जो हमारे पास इक्वेशंस रहता है, हो सकता है वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो, उसे हम बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे इससे पहले हमने देखा था एम जी प्लस ओ टू दैट इज इक्वल टू, या वो जो रिएक्ट करके वो क्या बना रहा, एम जी ओ, वो अनबैलेंस्ड था। उसे बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया था, टू एम जी प्लस ओ टू, और ये हमें दे रहा था टू एम जी ओ, तो ये बैलेंस्ड हो गया था इक्वेशन। उसी तरह से हम किसी भी अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। सो दिस प्रोसेस इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक केमिकल इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप इसी समझ सकते हैं, Fe यहाँ एक एटम है और यहाँ पर आयरन का तीन एटम्स है, सो ये अनबैलेंस्ड है। उसी तरह से आप ऑक्सीजन देखें, यहाँ पर एक है और यहाँ पर ऑक्सीजन का चार एटम्स है, सो दिस इज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसे अगर हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए चलिए एक बार फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाकर पढ़ेंगे, 11th 12th में जाकर पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको आपके कोर्स में जो है और आपको जो बताया गया है आपके किताबों में, वो हिट एंड ट्रायल मेथड है कि आप कोशिश करते जाएं एक बार वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उस हिट एंड ट्रायल मेथड से बहुत बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं, ईजीली बैलेंस कर सकते हैं, तो वही हमें इस कोर्स में सीखना है। वैसे तो इसे सॉल्व करने के लिए, इस प्रोसेस से आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपका अपना तरीका होगा हिट एंड ट्रायल में। फिर भी यहाँ आपको एक पाथ दिया गया आपके कोर्स में कि आप इस चीज़ को फॉलो करें तो आपके लिए आसान होगा। जैसे कि मैं एनसीईआरटी के हिसाब से ही चल रहा हूँ, जो एनसीईआरटी ने कहा मैं वही कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको बॉक्सेस ड्रॉ करना होगा, जो भी यहाँ पर जो भी एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो जो गिवन है, उसमें आपको बॉक्स ड्रॉ करना होगा। जैसे कि Fe में हमने बॉक्स ड्रॉ कर दिया, H2O में कर दिया, Fe3O4 में कर दिया, H2 में कर दिया, इस तरह से हमने इसे बॉक्स में डाल दिया। हम बॉक्स में क्यों डालते हैं, क्योंकि जब इसे हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, तो उस दौरान हम इसके केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल या ये H2O है, हम इसे H3O या H2O2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं या वैसा नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए बॉक्स बनाने के लिए आपसे कहा गया है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप इसके केमिकल कॉम्पोजिशन को चेंज ना करें, वो हम नहीं कर सकते हैं, हमें सिर्फ बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर कुछ नंबर्स, यहाँ पर हम कुछ भी नंबर्स यहाँ पर डाल सकते हैं। दरअसल ये नंबर्स हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मान ले यहाँ पर 2 रहे, तो ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर दो वाटर मॉलिक्यूल है। वाटर मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा भी चेंज नहीं किया, ये 2 सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो मॉलिक्यूल्स है, H2O 2 है। सबसे पहले हमने बॉक्सेस ड्रॉ कर लिया, इसके पीछे का रीजन यही है कि हम इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते और हम करेंगे भी नहीं। सेकंड स्टेप, हम क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहले तो हम एटम्स का नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एटम्स का नंबर को नोट डाउन कर लेते हैं। इससे करने का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि कहीं ये बैलेंस्ड इक्वेशन तो नहीं है, यही चेक करने के लिए। और अनबैलेंसनेस जो है वो कहां कहां पर है, किस किस एलिमेंट के लिए वो अनबैलेंस्ड है, इसे पता करने के लिए हम सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स का जो लिस्ट है वो लिस्ट बना लेते हैं। जैसे कि एलिमेंट क्या क्या है, यहाँ पर Fe है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर देखें Fe रिएक्टेंट्स में ये साइड जो है ये रिएक्टेंट हो गया, Fe प्लस H2O ये रिएक्टेंट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पर आप देखें रिएक्टेंट में आयरन कितना है, आयरन कितने एटम्स है, एक एटम है यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। और प्रोडक्ट में आपको आयरन मिलेगा 3 और हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ से देखें हाइड्रोजन मिलेगा 2 और ऑक्सीजन मिलेगा 4। इसे हमने नोट डाउन कर लिया। नोट डाउन करने के बाद हम ये पाएंगे कि ऑब्वियसली दिस इज एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यहाँ पर देखिए ये भी बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन सिर्फ बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हमें इसे
बैलेंस करना होगा। वेल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमें वो वाला मॉलिक्यूल या वो वाला कंपाउंड ढूंढना होगा जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है। ये देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, इस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये आपके लिए कन्वीनियंट होगा, लेकिन 100% फुल प्रूफ नहीं है। ये हिट एंड ट्रायल में कुछ 100% फुल प्रूफ नहीं है, आपको टेस्ट करना होगा। कभी आपने इससे शुरुआत किया, जैसे कि यहाँ पर हम हो सकता है हाइड्रोजन को बैलेंस करने से शुरू करें, या ऑक्सीजन को बैलेंस करने से शुरू करें, या आयरन को बैलेंस करने से शुरू करें, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें उसके लिए कन्वीनियंट मेथड आपको बताया गया है। ये कन्वीनियंट है, एकदम 100% फुल प्रूफ है ऐसा नहीं है, कन्वीनियंट है। तो ये कहा जाता है कि इट इज़ कन्वीनियंट, आप सबसे पहले ये खोजें कि कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा है, दोनों तरफ में जो सबसे ज़्यादा होगा उसे चूज़ करें। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम एक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स तीन है, H2O में दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का, यहाँ पर 7 एटम्स आपको मिलेगा Fe3O4 में, और H2 में 2 है, तो ऑब्वियसली हमें चुनना होगा इसे। अब ये जो मॉलिक्यूल हमने चुन लिया, इसमें आपको ढूंढना होगा कौन सा एटम है जो सबसे ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ज़्यादा है, तो बेहतर होगा अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने से शुरुआत करें। वेल, तो अब हमें क्या देखना होता है, हम शुरुआत किससे करेंगे, ऑक्सीजन से, फिर देखेंगे कि हाइड्रोजन बैलेंस्ड है या नहीं, फिर आयरन बैलेंस्ड है या नहीं, उनको देखेंगे। पहले तो हम ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन ऑब्वियसली ये अनबैलेंस्ड होगा, चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है, एक तरफ 4 है, और रिएक्टेंट्स के तरफ देखिए ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 4 है, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस्ड नहीं है, दोनों तो बराबर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर होना चाहिए, तब जाके वो बैलेंस्ड इक्वेशन बनेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक को हमें 4 बनाना है, या फिर कहें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करना है समहाउ, तो एक तरफ 1 है दूसरे तरफ 4 है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका है दिस वन कुड बी मल्टीप्लाइड विथ 4, 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो तो 4 बन जाएगा, सो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का जो है उसके साथ ये मैच कर जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि आप इस तरफ देखिए ऑक्सीजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन यहाँ पर है। वेल, 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा ये H2O से पहले हम यहाँ पर 4 अपेंड कर दे, 4H2O। अब क्या हुआ, देखिए ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 अगर H2O मॉलिक्यूल होगा तो उन 4 मॉलिक्यूल्स में कितना ऑक्सीजन होगा, ऑब्वियसली 4 ऑक्सीजन एटम होगा, तो यहाँ से जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 ऑक्सीजन एटम्स और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन एटम्स, तो ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस्ड। अब देखिए बाकी क्या बैलेंस्ड है, हमने तो सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अब किसी और को चूज करें, चलिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन को चूज कर लेते हैं। वेल, सो हाइड्रोजन क्या ये बैलेंस्ड है, यहाँ पर देखें 4×2 8 हाइड्रोजन एटम्स, रिएक्टेंट्स में 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं और प्रोडक्ट में 2 हाइड्रोजन एटम हैं, दोनों को बराबर करना है, हम क्या कर सकते हैं, 2×4 is 8, अब 8 मल्टीप्लाइड विद 1 इसका कोई मतलब नहीं बनता है, जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 को 8 करने के लिए हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या बना कि हम यहाँ पर H2 से पहले 4 अपेंड कर दे, ये इंडिकेट करेगा 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को, 4 H2 मॉलिक्यूल्स को। अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया, यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर भी 8 हाइड्रोजन एटम, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। वेल, बाकी बचा कौन, हमने ऑक्सीजन को कर लिया, हमने हाइड्रोजन को कर लिया बैलेंस, बाकी बचा आयरन, क्या आयरन बैलेंस्ड है,
यहाँ पर देखें क्या आयरन बैलेंस्ड है, यहाँ पर आयरन का एक एटम और यहाँ पर आयरन के तीन एटम्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आयरन बैलेंस्ड नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, वन को थ्री करना होगा, ऑब्वियसली थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन यहाँ पर थ्री एफ ई हो जाएगा। सो यहाँ पर ये तीन आयरन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी तीन आयरन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुका है। चलिए एक बार टेस्ट कर लेते हैं, इसका करेक्टनेस जो है ये एक बार चेक कर लेते हैं। रिएक्टेंट में देखें आयरन तीन, हाइड्रोजन आठ और ऑक्सीजन चार, इतने एटम्स हैं। तीन हाइड्रोजन का आठ, फोर इंटू टू इज एट, और ऑक्सीजन का चार, ऑक्सीजन का फोर ओ, तो ये हो गया चार। अब आप प्रोडक्ट में देखें Fe3O4, थ्री ओ फोर, दैट मीन Fe कितना है, तीन है, O कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन चार है और हाइड्रोजन आठ है, तो दोनों बराबर हो गया, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, दैट मीन ये अब बैलेंस्ड इक्वेशन बन गया। सो इसे कुछ हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बक्सा तो लगाते नहीं है, जब इसे हम बैलेंस्ड इक्वेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं, थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ इट गिव्स अस Fe3O4 प्लस 4H2, तो ये हो गया पूरी तरह से बैलेंस्ड इक्वेशन। अब ये जो स्टेप सेवन आपको यहां पर दिख रहा है, ये मैंडेटरी तो नहीं है, पर ये आप मेंशन कर सकते हैं कि फिजिकल स्टेट जो है इन इन यहां पर जो रिएक्टेंट्स है और जो प्रोडक्ट है, इनका जो फिजिकल स्टेट है, इस फिजिकल स्टेट इनका जो फिजिकल स्टेट है, उस फिजिकल स्टेट को आप मेंशन कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। फिजिकल स्टेट मतलब क्या वो गैसेस स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है या फिर एक्वस सॉल्यूशन में है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जैसे कि पानी में नमक हमने डाल दिया तो वो सॉल्यूशन बन जाता है, सो उस स्टेट को एक्वस स्टेट कहा जाता है। कौन सा स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या एक्वस है, इसे आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे कुछ इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Fe सॉलिड स्टेट में होगा, Fe ये H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है जो कि गैसेस फॉर्म में होगा, दैट मीन वाटर वेपर के साथ आयरन का रिएक्शन होता है, लिक्विड वाटर के साथ आयरन का रिएक्शन नहीं होता है, वेपर स्टेट में जब वो वाटर होता है तब उसके साथ आयरन का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर ये जो H2O है ये गैसेस स्टेट में होगा, Fe3O4 एक सॉलिड है और H2 जो है हाइड्रोजन जो है ये गैस है, आयरन जो है वो सॉलिड है, तो वही यहाँ पर मेंशन किया गया, S फॉर सॉलिड, G फॉर गैस। वेल, तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है कि उसका फिजिकल स्टेट को हम मेंशन कर सकते हैं। वेल, कभी कभार आपको केमिकल इक्वेशन में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, वैसे आप जब बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को तो ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हो सकता है ऐसा केमिकल इक्वेशन दिखे जिसमें कि इस तरह का इन्फॉर्मेशन भी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहे। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि किस कंडीशन में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किस टेम्परेचर में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कितना प्रेशर में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर किस कैटलिस्ट के इन्फ्लुएंस में वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि उस केमिकल इक्वेशन में दिया हुआ रहे। तो इससे घबराइएगा नहीं, हो सकता है वो दिया हुआ रहे, आप सिर्फ मतलब समझ जाइए और किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो आप देख लीजिए। जैसे कि कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये मिथाइल अल्कोहल बनाता है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो बहुत हाई प्रेशर में होता है, वो रिएक्शन ये नियरली 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो रिएक्शन होता है, सो उसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, अभी हमारे ऊपर नॉर्मली जो प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर के कारण जो प्रेशर रहता है, दैट प्रेशर इज वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना ज़्यादा प्रेशर चाहिए आप सोचिए इस रिएक्शन को होने के लिए, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए। और इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, एरो जो है उस एरो के ऊपर लिखा जाता है ऊपर, और दूसरा इन्फॉर्मेशन रहे तो उसे नीचे लिखा जाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये रिएक्ट करता है और फिर ग्लूकोज बनता है
और ऑक्सीजन लिबरेटेड होता है और कुछ पानी का मॉलिक्यूल भी लिबरेटेड होता है। यहाँ पर क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होता है। सनलाइट का एनर्जी को ही ट्रैप करके यह ग्लूकोज बनता है। सो सबसे पहले क्या चाहिए, यह कंडीशन क्या चाहिए कि सनलाइट चाहिए। और यहाँ ये कहाँ पर होता है, किसके प्रेजेंस में होगा, ये क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोफिल इसे कंडक्ट करवाता है, तो उसे यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि पिक्टोरियली भी इसे देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे कि ये चारों में डिफरेंस क्या है। अभी तो बेसिक बेसिक तौर पे मैं आपको बता दूं, जब बहुत सारे रिएक्टेंट्स जुड़ जाता है, कंबाइन हो जाता है और एक प्रोडक्ट बनता है, सब कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बना, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और सपोज कि एक रिएक्टेंट है वो टूट गया, टूट के बहुत सारा बन गया प्रोडक्ट, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। ये डिकम्पोज कर रहा है, रिएक्टेंट टूट के डिकम्पोज कर रहा है, इसीलिए इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सपोज ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट आया और इसके एक पार्ट को डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया और खुद वहाँ पर आके जुड़ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन इसके बारे में मैं फिलहाल अभी बात नहीं करूँगा, जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तब हम लोग देखेंगे। ये तो एक तरीका हो गया कि केमिकल रिएक्शन जिस तरीके से प्रोडक्ट बन रहा है उसके हिसाब से इसे हम चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। अब देखें, जब केमिकल रिएक्शन होता है, दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलके रिएक्ट कर रहा है, नया मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, उस दौरान हो सकता है कि वहां से हीट बाहर निकले, या फिर उस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें उस पर हीट प्रोवाइड करना पड़े। दो तरीका हो सकता है, या तो रिएक्शन हुआ हीट बाहर निकल गया, या फिर रिएक्शन होने के लिए हमें उसके अंदर हीट, दैट मीन उसे एनर्जी प्रोवाइड करना पड़े, हम उसे एनर्जी दे और रिएक्शन हो, या फिर रिएक्शन हो और कुछ एनर्जी बढ़ जाए जो कि डिसिपेटेड हो जाए, बाहर निकल जाए। इस हिसाब से केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। एक को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब होता है बाहर। अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी बाहर निकले तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, और अगर किसी रिएक्शन को होने के लिए हमें हीट प्रोवाइड करना पड़े और वो हीट एनर्जी उसके अंदर चला जाए, उसके हीट कंटेंट के तौर पे उसके अंदर चला जाए, तो यहाँ पर एंडो हो गया, अंदर चला गया, तो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। चलिए डिटेल्स में देखते हैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ, और साथ ही साथ पिक्टोरियली भी हम उसे समझेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के तौर पे हम इसे चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रहे थे, उसके हिसाब से जो पहला टाइप है केमिकल रिएक्शन का, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो, वो सब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा हो, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इससे पहले ही हमने देखा, एग्जाम्पल थोड़ी देर में देखते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक रिएक्टेंट है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान टूट गया, टूट गया मतलब इसका मॉलिक्यूलर जो कॉम्पोजिशन है वो तो बदल गया, ये टूट गया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना, तो इस केमिकल रिएक्शन को या इस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सपोज कि ये एक रिएक्टेंट है, अब दूसरा रिएक्टेंट आया, आके इसके एक पार्ट को वहां से कर दिया डिस्प्लेस, हटा दिया और खुद उसके जगह पे जाके जुड़ गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि पहले ने बाहर से जो आया उसने इसके एक पार्ट को वहां से डिस्प्लेस कर दिया, वहां से उसे हटा दिया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पर डिस्प्लेसमेंट ही दो बार होगा। यहां पर मान ले दो रिएक्टेंट्स हैं, अब क्या होगा, एक का एक पार्ट दूसरे के एक पार्ट को रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा और वही डिस्प्लेस्ड पार्ट इसके जगह पे आके लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसने इसे डिस्प्लेस किया और इसने इसे डिस्प्लेस कर दिया, एक दूसरे के पार्ट को डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डेफिनेशन इसका क्या होना चाहिए कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ कंबाइन होके अगर एक ही बहुत सारे रिएक्टेंट्स एक साथ कंबाइन होके अगर एक प्रोडक्ट बनाता हो तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ये तो हमने पहले ही देखा थोड़ी देर पहले। तो यहां पर आप गौर करें, एक से ज्यादा है रिएक्टेंट्स, ये सब जुड़ गया एक साथ, कंबाइन हो गया और एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा, टूट जाएगा। एक ही रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर टूट के एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए तो फिर इसे कहा जाता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वेल, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, इसे हीट प्रोवाइड किया जाए, तो ये टूट जाता है दो पार्ट में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो आप गौर करें, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है ये एक है और यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स बन रहा, वही टूट के दो अलग अलग पार्ट में वो टूट रहा है। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका डीकम्पोजिशन या ये डीकम्पोज कर रहा है, इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, इसे अगर सनलाइट में रखा जाए, सनलाइट में भी एनर्जी होता है, सनलाइट में अगर रखा जाए तो वो एनर्जी ये अब्जॉर्ब करता है और ये टूट जाता है सिल्वर में और क्लोरीन में ये टूट जाता है। तो यहाँ भी देखें, सिर्फ एक है रिएक्टेंट और हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहा है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये टूट रहा चूँकि। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम कहेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वेल, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसे हम कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये इस तरह का रिएक्शन है इन विच वन एंटिटी इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एंटिटी। यहाँ पर एक एंटिटी एक दूसरे एंटिटी से अगर डिस्प्लेस्ड हो जाए तो फिर इस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, आयरन और कॉपर सल्फेट, इनके बीच जब रिएक्शन होता है तो ये जो कॉपर है इसे ये आयरन जो है डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, और कॉपर के जगह पे आयरन आ जाता है और कॉपर वहाँ से बाहर निकल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कॉपर से आयरन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रोन है रिएक्ट करने के लिए। तो वो जब आता है तो कॉपर को वहाँ से हटा देता है और खुद उसके जगह पर चल जाता है। उसी तरह से जैसे आयरन का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, उसी तरह से जिंक और लेड का भी रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसीलिए जिंक और लेड भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर भी वही रिएक्शन आपको दिखेगा, जिंक आके कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पर देखे, कॉपर अलग हो गया, जिंक आके जुड़ गया। उसी तरह से लेड यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ पर लेड जुड़ा और कॉपर यहाँ से अलग हो गया। तो ये तो कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बात किया कि इसका एक पार्ट उसके एक पार्ट को डिस्प्लेस करेगा, सिमिलरली इसका एक पार्ट उसके जगह पे आ जाएगा, तो हम कहेंगे उसका भी पार्ट इसे डिस्प्लेस कर रहा है। तो अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स इज नोन एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ से इसका एक आयन अलग हो गया, इसका एक आयन अलग हो गया, ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच रिएक्शन हो रहा है और बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन रहा है। तो ध्यान से देखें, सोडियम जाके जुड़ गया क्लोरीन के साथ और बेरियम आके जुड़ गया सल्फेट के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहां पर। इसी तरह से दो और एग्जांपल्स आपके सामने हैं।
अब ये तो एक तरीका हो गया अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शंस को चार अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करने का कि किस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बन रहा है उस हिसाब से। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर वो हीट अब्जॉर्ब करे रिएक्शन या हीट डिसिपेट करे उस हिसाब से भी हम इसे दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। वो दो तरीके हैं, एक तो एक्सोथर्मिक जब एनर्जी बाहर निकले रिएक्शन के दौरान, और एंडोथर्मिक जब बाहर से एनर्जी देना पड़े और हीट एनर्जी वो अब्जॉर्ब करके रिएक्शन हो तो वो एंडोथर्मिक है। तो ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक में उस प्रोसेस में हीट लॉस्ट होता है, मतलब डिसिपेटेड होता है, अपने सराउंडिंग्स में वो एनर्जी चला जाता है। और एंडोथर्मिक में हीट एनर्जी इज गेन्ड, मतलब वो जो रिएक्टेंट्स है वो एनर्जी को गेन करता है और प्रोडक्ट बनाता है। वेल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। मतलब जो फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का, उस दौरान हीट रिलीज अगर हो बाहर निकले तो उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमें पता है कि कार्बन को अगर हम जला दें, शुरुआत कर दें इसके जलने का, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कोयला जो जलता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस प्रोसेस में बहुत बहुत सारा हीट एनर्जी बाहर निकलता है। वो हीट एनर्जी बाहर निकलता है इसीलिए तो कोयला जला के हम एनर्जी लेते हैं, हीट एनर्जी हम खाना पकाते हैं उससे। सो उस तरीके से देखें तो वो हीट छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, और उसी से हम खाना पका रहे हैं। तो वो चूंकि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उस तरह के केमिकल रिएक्शन को कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि मीथेन को भी आप जला सकते हैं। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और पानी बनता है। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब ये रिएक्शन होता है तो बहुत सारा हीट एनर्जी बाहर निकलता है। वेल, ये तो एक तरीका हो गया, किस हिसाब से, अब्सॉर्प्शन या डिसिपेशन ऑफ हीट के हिसाब से एक कैटेगरी हो गया एक्सोथर्मिक, एनर्जी बाहर निकल रहा। अब अगर एनर्जी अंदर जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा तो उसे एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहा जाएगा। अ रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब्ड, हीट अगर एब्जॉर्ब्ड हो along with the formation of product is called endothermic chemical reaction। कुछ example देख ले, चलिए एक example देख लेते हैं। calcium carbonate, इसे अगर गर्म किया जाए तो फिर ये calcium oxide और carbon dioxide में टूटता है। That means गर्म किया जाए का मतलब क्या है, इसमें हमें heat provide करना पड़ रहा है। Okay? So, यहां पर देखिए वो मेंशनड है, हीट मतलब हीट हमें देना पड़ेगा इसे, और इस हीट के देने से ये इस हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा और वही हीट एनर्जी जो हम दे रहे हैं वही एनर्जी इसे ब्रेक करेगा, इसे तोड़ेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पे टूट जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन हम इसे चार कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक तो कॉम्बिनेशन, दूसरा डीकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और अकॉर्डिंग टू द डिसिपेशन और अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इस हिसाब से हम केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक एनर्जी बाहर निकला और एंडोथर्मिक उसने एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और केमिकल रिएक्शन हुआ। वेल, यहाँ पर इसके नाम पे आप गौर करें, इसके नाम पे आप पाएंगे ऑक्सी है, ऑक्सी स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। सो ऑक्सीडेशन जब किसी एलिमेंट में या किसी भी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन आके जुड़ता है, ऑक्सीजन ज्वाइन हो जाता है, उस समय उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। ये क्लासिकल व्यू है, बहुत ही पुराना व्यू है, जिसके साथ ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें पता है कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जलाते हैं देन वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर आप गौर करें कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। मतलब कि यहां पर मैग्नीशियम का
ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप ध्यान से सुने, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज्ड क्योंकि मैग्नीशियम के साथ जाके ऑक्सीजन जुड़ रहा है। इसी तरह का कुछ डेफिनेशन रिडक्शन का भी है। रिडक्शन के केस में ये माना जाता है कि अगर किसी सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है तो वहां पर उसका होता है रिडक्शन। एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन और हाइड्रोजन का अगर रिएक्शन हो तो यहां पर गौर करें क्लोरीन में। क्लोरीन पे अगर हम गौर करें तो हम ये पाएंगे कि क्लोरीन के साथ आके हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। तो इस सेंस में हम ये कहेंगे कि क्लोरीन का हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्लोरीन इज रिड्यूस्ड क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और क्लोरीन में आके जुड़ रहा है हाइड्रोजन। वेल, ये जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, इन दोनों को एक दूसरे का ओपोजिट माना जाता है, एक दूसरे का उल्टा। तो अगर देखें, ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का जुड़ना अगर रिडक्शन है, तो फिर अगर कहीं से हाइड्रोजन अलग हो जाए तो? देखिए, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन का उल्टा है, ऑपोजिट है। तो कहीं से अगर हाइड्रोजन अलग हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन, हाइड्रोजन का अलग हो जाना ऑक्सीडेशन, तो इसे भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं से किसी स्पीसीज से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, वह हाइड्रोजन हट जाता है, देन उसका होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर इस एग्जांपल में आप गौर करें, इस एग्जांपल में आप सल्फर पे गौर करें। सल्फर को देखें, यहाँ पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था और रिएक्शन के बाद वहाँ से हाइड्रोजन अलग हो गया। तो सल्फर से हाइड्रोजन अलग हुआ, इसका मतलब सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड, सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सल्फर से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। इसी सेंस में हम कह सकते हैं कि अगर किसी जगह से अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाए तो हम कहेंगे वहां पर उसका हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना ये ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल इसे हम रिडक्शन कहेंगे, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में आप कॉपर पर ध्यान दें। इस एग्जाम्पल में आप कॉपर को देखें, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था जुड़ा हुआ और फिर आप देखें कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर इज रिड्यूस्ड। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आप ये पाएंगे यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। इस रिएक्शन में कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड कॉपर इज रिड्यूस्ड। सो कहीं से अगर ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं उसका हो रहा है रिडक्शन। सो गाइस देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जनरली हमारी लाइफ में दो तरीके से इफेक्ट करता है, राइट, रोल निभाता है, जैसे फर्स्ट मेटल एंड सेकंड फूड, राइट। अगर ऑक्सीडेशन फूड से होता है तो हम उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, दैट इज रेंसिडिटी। एंड वही ऑक्सीडेशन अगर मेटल के साथ हो तो उसी को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। आई होप आपने इस वीडियो को देखने से पहले ऑक्सीडेशन वाली वीडियो आपने देख ली होगी, जो है क्लास 6, राइट। एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन होता क्या है? किसी भी रिएक्शन में जब हमारा ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन वहां से रिमूव हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। तो अगर यही ऑक्सीडेशन अगर मेटल के साथ हो रहा है तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं, यही ऑक्सीडेशन अगर फूड के साथ हो रहा है तो उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं, राइट। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं कोरोजन। तो गाइस, कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप, मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर। तो होता क्या, सपोज करो हमारे पास कोई मेटल है, राइट, और ये मेटल अगर मॉइस्चर का मतलब इसके अंदर हवा भी है और पानी भी है, राइट। तो अगर हमारा मेटल मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कुछ देर बाद हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि उस मेटल का जो सरफेस है, सरफेस थोड़ा सा यहाँ से चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा
रफ हो जाएगा, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड कोरोजन। उसे क्या बोलते हैं? कोरोजन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने डेली लाइफ में देखा भी होगा, जैसे कि जो लोगों के घर में जो लोहे के आर्टिकल्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, गलने लगते हैं। तो उसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर पेंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, पेंट करते हैं, राइट। तो इसलिए करते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं मेटल के साथ। बट जब ऑक्सीडेशन मेटल का होता है तो उसको एक परफेक्ट टर्म दी गई है, इसको बोलते हैं कोरोजन, राइट। रश वगैरह, जंग वगैरह आप लोगों ने ये देखा होगा, राइट। सो कोरोजन इज मेनली कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। तो कोरोजन क्यों होता है? मेनली ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। तो घर में जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आयरन के ऊपर, आयरन जो ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो रस्टिंग होती है, मतलब जंग जंग उसके ऊपर लग जाता है, तो इसी को हम कोरोजन के नाम से जानते हैं, राइट। तो कोरोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम सिंस एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि काफी सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन वाली। देखो, काफी जो कंट्री होती है उसके ऊपर क्या, मतलब ब्रिज होते हैं लोहे के, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पर पेंटिंग का खर्चा करती है। जितने भी रेजिडेंट सल एरिया होते हैं वहाँ पे जो पब्लिक होते हैं वो भी अपने घर में क्या करते हैं, गेटों पे पेंट करते हैं, गेट्स वगैरह पे पेंट करते हैं। जहाँ जहाँ भी लोहे के आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, पेंट करते हैं। क्यों पेंट करते हैं? ताकि वो खराब ना हो। तो मतलब इसकी वजह से बहुत सारा पैसा भी खर्च हो रहा है, तो इसलिए काफ़ी ये सीरियस प्रॉब्लम है कोरोजन की, राइट। तो कोरोजन हम लोग कैसे कोरोजन से बच सकते हैं? फिर पेंटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजिंग करते हैं, एलॉइंग करते हैं, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो इन तरीके से हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं किसी भी मेटलिक आर्टिकल को, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो गाइस, कोरोजन इज ऑल्सो टेक प्लेस इन कॉपर। तो ये नहीं कि कोरोजन हमेशा आयरन में ही होता है, कॉपर में भी होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, राइट। सेम देखो, अगर सिल्वर ऑब्जेक्ट पे अगर कोरोजन लगता है तो सिल्वर ऑब्जेक्ट ब्लैक कलर का बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है उसके उसके कोरोजन का Ag2O, राइट। मतलब जो सिल्वर था वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर गया तो Ag2O बन गया। सेम कॉपर पे अगर जंग लगता है, कॉपर पे अगर कोरोजन होता है तो ब्राउन कलर का बन जाता है, और फॉर्मूला बनता है CuCO3, राइट, CuCO3। सेम अगर आयरन ऑब्जेक्ट पर लगता है तो Fe2O3 इसमें लग जाता है और ब्राउन कलर का ही बन जाता है। और यहाँ पे XH2 है। देखो यहाँ पे XH2 का मतलब क्या है, Fe2O3.XH2। देखो कोरोजन कैसा होता है, कोरोजन के लिए ऑक्सीजन होना चाहिए लेकिन थोड़ा वाटर भी होना चाहिए, डेट मीन मॉइस्चर होना चाहिए। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने O3 है, लेकिन वाटर का अमाउंट कितना है ये हमें पता नहीं है, ये फिक्स नहीं है। वाटर का अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं है, राइट, नॉट फिक्स। तो कितना भी पानी यहाँ पे हो सकता है। तो सेम जैसे कि नोबल मेटल्स होते हैं, राइट, नोबल्स मेटल जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, इनमें इनको कोरोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ऐसा क्यों? जैसे कि आप लोग जानते हो, ये जो अगर मैं आप लोगों ने एक सीरीज पढ़ी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज, राइट, तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप लोगों ने देखा होगा कि गोल्ड, ये सब गोल्ड सिल्वर ये सबसे नीचे आते हैं, और प्लेटिनियम इन सबसे क्या आता है, नीचे आता है। नीचे, अच्छा नीचे क्या था, जितना हम उस सीरीज में नीचे जाएंगे उस एलिमेंट की रिएक्टिविटी उतनी ही कम होगी, तो वो कम रिएक्ट करेगा, राइट। तो क्योंकि इन इन मेटल्स की रिएक्टिविटी बहुत कम है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करेंगे। जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो कोरोजन इनमें नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत टाइम लगेगा इनको कोरोड होने में, राइट। सो ड्यू टू कोरोजन टर्न्स ग्रीन एंड सिल्वर टर्न्स ब्लैक इन कलर। तो वही हमने बात करी, जब कोरोजन होता है तो कलर में उनके कलर चेंज हो जाते हैं, राइट। अब समझते हैं कुछ पॉइंट, जैसे कि गैल्वेनाइजिंग में हमने बात करी थी, गैल्वेनाइजिंग से भी हम लोग कोरोजन से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि ये होता क्या है, देखो अगर हम किसी मेटल की, हमारे पास कोई मेटल है, अगर इस मेटल के ऊपर हम लोग जिंक की, किसकी, जिंक की कोटिंग कर दें, तो इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। तो इट इज प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। तो रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजिंग कहते हैं, राइट। बड़े आसान से आप इसको समझ सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आप लोगों का इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, इसके लिए देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल समझो, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, देखो आप लोग सब जानते हैं, जैसे कि Fe है, राइट, Fe की वैलेंसी कितनी होती है, सपोज करो 3, वैसे 2 भी हो 3 भी होती है। तो देखो अगर Fe है, अगर ये O से रिएक्ट करना चाहता है, मतलब इसको ये कोरोजन कर रहा है, तो डैट मीन्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे ना, इसको देने पड़ेंगे, नहीं, क्योंकि जो इनकी वैलेंसी होती है उसी को, जो इनकी वैलेंसी होती है, राइट, उसी को लूज करेंगे, क्या करेंगे, लूज करेंगे तभी तो किसे रिएक्ट कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिक करंट इसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये लूज कर रहा है ये लूज ही नहीं होंगे, बस में आ रही है, ये लूज होंगे ही नहीं, जब लूज होंगे ही नहीं तो ये किसी रिएक्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्रोसेस डेट यूज इलेक्ट्रिक करंट टू रिड्यूस डिसॉल्व्ड मेटल कैटायन, मतलब कि जो कैटायंस है वो किसी ना रिएक्ट कर पाए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज करते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो गैल्वेनाइजिंग काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, राइट। सो ये था आपका टॉपिक कोरोजन। अब बात करते हैं रेंसिडिटी की। सो गाइस रेंसिडिटी क्या होता है, देखो अगर फूड, जैसे कि फूड है राइट, अगर फूड के अंदर ऑक्सीडेशन हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जैसा आप लोगों ने देखा होगा अगर हम कोई फूड है, अगर इस फूड को हम लोग ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो काफी टाइम बाद हम देखेंगे कि इसका जो टेस्ट है, टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसकी स्मेल चेंज हो जाएगी, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। सो द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल का मतलब जो यहाँ पे ऑक्सीजन आ रही, कहाँ से आ रही है, हमारे एटमोसफेयर से आ रही है, राइट। तो जो एरियल ऑक्सीडेशन से क्या हो रहा है, जो खाना था और खाने के अंदर जो मेनली जो फैट होता है ना, फैट या फिर ऑयल होता है, जो फैट एंड ऑयल जो होता है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और वहां पे क्या वो, और एक अनप्लीजेंट सी स्मेल वो देता है, मतलब जिससे वो खाना खराब हो जाता है। तो इसलिए जो भी खाना होता है, खासकर जो ऑयली फूड होते हैं, इसके अंदर फैट कंटेंट ज्यादा होता है, वो हमेशा क्लोज कंटेनर में रखने चाहिए ताकि ऑक्सीजन कम से कम वहां पे जा पाए और जिससे वो ज्यादा देर तक ठीक रह पाए। सो द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। सो व्हेन ऑयली फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड, तो कैसे एग्जांपल के, जैसे कि ऑयली फूड मटेरियल ज्यादा देर तक हम खुले में छोड़ दें तो रेंसिडिटी होता है, राइट। अब रेंसिडिटी क्या होता है ये आपने समझ चुके हो, अब इसको रोके कैसे, राइट। तो रेंसिडिटी रोकने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, फर्स्ट, ये सेकंड नंबर है और ये थर्ड नंबर है। फर्स्ट क्या है, हम लोग एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर ऐड कर दें। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक ऐसे एलिमेंट, एक ऐसे मटेरियल जो ऑक्सीडेशन ना होने दे, मतलब एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि BHT एंड BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनोसोल, राइट। ये दो हमारे केमिकल होते हैं जो हम खाने में मिला देते हैं, जिससे क्या होता है रेंसिडिटी नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन जो आता है ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसको यहां से रिमूव कर देते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता। सेम अगर सेकंड पॉइंट की बात करें, देखो हम क्या करते हैं टाइट कंटेनर में, जैसे मैंने ये बताया कि जो भी हमारे ऑयली फूड होते हैं उनको हम क्या करते हैं टाइट कंटेनर में पैक करते हैं। टाइट कंटेनर में पैक करेंगे तो एयर कम से कम वहां जा पाएगी, जिससे रेंसिडिटी नहीं हो पाएगी, राइट। एंड थर्ड पॉइंट इज, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, राइट, जो भी फैट ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, जैसे कि आपने चिप्स वगैरह के पैकेट जो होते हैं, ये सारी चीज जो पैकेट फूड होते हैं, राइट, हम इसमें एक अनरिएक्टिव गैस डालते हैं नाइट्रोजन की, जैसे कि आपने जैसे लेज लिया है ना, ये लेज या फिर कुरकुरे हो गया, आपने देखा होगा इसके अंदर पैकेट के अंदर कुछ गैस भरी होती है ना, और जब इसको खोलते हैं तो गैस निकलती है, तब हम उसको खाते हैं। वो गैस कौन सी होती है, वो यही गैस होती है। क्यों गैस होती है, ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से अनरिएक्टिव गैस है, और ये गैस यहाँ भरी हुई है तो मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगी, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं आएगी। जब ऑक्सीजन एंट्री नहीं लेगी तो डेट मीन्स खाना जो होगा, जो चिप्स, जो फूड जिसके अंदर होगा, वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएगा, खराब नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी, राइट। तो ये तीन तरीके से हम लोग रेंसिडिटी से बचाव कर सकते हैं।